चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग आप लोगों का। हम लोगों ने कल जो पढ़े थे मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी चीज मिस ना हो जाए। क्या पढ़े थे कल हम लोगों ने कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब किन चीजों को समझने में मदद करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स किन चीजों को पढ़ता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स किन चीजों की स्टडी करता है, ये हमने पढ़ा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी दो चीजों की स्टडी करता है, जल्दी बोलेंगे सब लोग। सर माइक्रो इकोनॉमिक डील विथ हाउ एन इंडिविजुअल एलोकेट देयर रिसोर्सेज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर एंड हाउ प्राइस कैन बी डिटरमाइंड इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो हाउ इट इज डिटरमाइंड सर, इट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, देन वी हैव टू अरेंज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लैंड लेबर एंड कैपिटल, देन वी हैव टू पे देम द रेंट वेरियस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। That price of there is also depend upon demand and supply. Then we have to produce the goods and decide the price of the goods. The goods price also depend upon demand and supply under a free market economy. Minimum government control. बराबर कितने बराबर है? Minimum government control level. कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये लो हम लोग ने पढ़ लिया था। मैंने बोला था compulsory questions आते हैं exam में। और जब आप वही बनाएंगे जो लोगों को चाहिए और वो अगर लोगों तक पहुंच जाए तो मैंने बताया था इट अचीव हायर एफिशिएंसी। इट मींस प्रोड्यूसर ने भी अपने रिसोर्सेज का बेहतर यूज किया तो लेस वेस्टेज, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम प्रॉफिट। कंज्यूमर को मिल गया जब उसे चाहिए था तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड लेस प्राइस, रीजनेबल प्राइस। बराबर है, समझ में आया मैंने क्या बोलने की कोशिश की आपको? हाँ, तो हम लोगों ने कल पढ़ा था सब्जेक्ट मैटर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको दोनों डेफिनेशन भी क्लियर होगी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स जब पूरी इकोनॉमी को पढ़ता है तो इकोनॉमी को वो कैसे ट्रीट करता है एज ए ऑर्गेनिज्म, और जो इंडिविजुअल्स है, जो करोड़ों इंडिविजुअल्स है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर, वो क्या सेल्स है। तो इतने बड़े ऑर्गेनिज्म में इतने सारे सेल्स को ढूंढने के लिए क्या लगेगा? माइक्रोस्कोप लगेगा। फिजिकली नहीं, अप्रोचिकली, ये नया वर्ड निकाला मैंने, अप्रोचिकली। तो ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। इसमें कंक्लूजन पार्ट था जो मैं आप लोगों को कल नहीं पढ़ा पाया टाइम लिमिटेशन की वजह से। लिखा है, क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। द फोकस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मेनली कन्फाइंड मतलब रिलेटेड टू प्राइस थ्योरीज, इट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स एंड डिटरमाइन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज डिपेंड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई एंड इट इज एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल्स एंड रिसोर्स एलोकेशन। वहीं लगाओ जहां जरूरी है, जहां रिक्वायरमेंट है, जहां डिमांड है। इट डज नॉट स्टडी एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब होता है टोटल, है ना, जैसे कि टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस इन द कंट्री। इट डज नॉट डील विद दैट बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच, है ना। दिस अप्रोच डज नॉट स्टडी नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज अनएम्प्लॉयमेंट। 45 सालों का सबसे बड़ा बेरोजगार है अभी इंडिया में, सबसे बड़ी बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए इश्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच। इसलिए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने क्या पढ़ा था आपको, इट डज नॉट डील विद नेशनल प्रॉब्लम्स, इट डील विद इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन एंड अदर फैक्टर्स रिमेनिंग। व्हेन इंडिविजुअल टेक डिसीजन उसको अदर फैक्टर्स से कोई नहीं फर्क पड़ता, और अदर फैक्टर्स माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी। अब तुमने तो कॉफी पीना है तो कॉफी पियोगे ना जाके, तुम क्या फर्क पड़ रहा है? बाहर महंगाई चल रही है, बर्बादी चल रही है, लोग मर रहे हैं। खेलने जाना खेलोगे, खाना खाने जाना खाना खाने जाओगे, मूवी देखने जाना मूवी देखने जाओगे। इंडिविजुअल डिसीजन है, दुकान खोलना है खोलोगे। पॉवर्टी, अब तुम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के, बहुत गरीबी इंडिया में, मैं नहीं खा सकता। अरे भाई तू इंडिविजुअल डिसीजन है, तेरे को दो ही चीजों से मतलब है, प्राइस और सेटिस्फेक्शन। अदर फैक्टर्स की जगह ही नहीं है वहां पर। अगर अदर फैक्टर्स को कंसिडर करने लगेंगे तो इंडिविजुअल डिसीजन ही नहीं ले पाएगा, इतने सारे अदर फैक्टर्स। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम बिटवीन रिच एंड पुअर, ये सब गवर्नमेंट का इश्यू है। ये गवर्नमेंट पॉलिसीज लाएगी इनको दूर करने के लिए। इंडिविजुअल को इसके लिए कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने लिए बेहतर डिसीजन ले ले, ये अपने आप दूर हो जाएगा। थ्योरी ऑफ ग्रोथ का सिंपल मतलब है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, लोगों की प्रति व्यक्ति इनकम बढ़ना चाहिए
over a long period of time. That is a growth. Now, growth is a phenomenon. It has to be long term. If it is a short term, it is not growth. It is a bubble. Jo burst ho jayega. Over a long period of time. तीन महीने का मार्केट, चार महीने का मार्केट, दैट इज नॉट ग्रोथ, दैट इज अ बूम पीरियड. बोले मैंने दो महीने बम कमा के आया, बाकी क्या, बारह महीने क्या, दस महीने क्या. ग्रोथ इज अ लॉन्ग टर्म इश्यू. इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यस, लोगों की प्रति व्यक्ति इनकम बढ़े, और वो तभी बढ़ेगी जब देश के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज लॉन्ग टर्म में बढ़ेगी. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में भी हो रहा है क्या, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है. तो शॉर्ट टर्म तीन तीन महीने में कमा लिए तो बहुत है, बट ग्रोथ इज अ नेचुरल फिनोमेना. कोई कुछ नहीं भी करेगा तो लोग ग्रोथ तो कर जाएंगे, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे जिंदगी. थियोरी ऑफ बिजनेस साइकिल, ये सब मैटर्स काय में डील करते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज बिजनेस साइकिल, हर बिजनेस एक साइकिल से गुजरता है ना. कभी कोई बिजनेस अच्छा चलता है, कभी डाउन में जाता है. जो बिजनेस नेचुरली डाउन जा रहा है, जैसे अम्ब्रेला रेनकोट, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कॉटन गर्म कपड़े, तो अपने को पता है कि चार महीने बिकेंगे, बारह महीने, आठ महीने नहीं बिकेंगे. तो वी नो दैट अचानक नहीं हो रहा है. तो जो चीज आपके लिए नेचुरल है ना, वो भी बिजनेस साइकिल का पार्ट है. तो उस टाइम कोई और बिजनेस करो आप, बराबर है कि नहीं बराबर. अब सेम ही साल भर तो नहीं बिकेगी, कलर साल भर तो नहीं बिकेंगे. पटाखों का अपना एक बिजनेस साइकिल होता है, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं. तो एक नेचुरल ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, वो बारिशों में बहुत अफेक्ट होता है. ये नेचुरल है जो ऑकर होने वाला है, बट कुछ अननेचुरल होते हैं. लॉकडाउन आ गया, कोविड आ गया, रिसेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया. जो बिजनेस चल, शादी के टाइम पर जो बिजनेस चलना चाहिए थे, सब बंद. कपड़ा बंद, लॉन बंद, बैंड बाजा बंद. अब लॉजिक समझ लो, ये भी बिजनेस साइकिल का पार्ट है, बट ये अनसर्टेन था बहुत ज्यादा. हमारे लिए उम्मीद नहीं था, हमें पता है तीन महीने बिजनेस नहीं चलेगा, बट तीन साल, बारह महीने, अठारह महीने, ये हमारे लिए बहुत अनसर्टेन था. देखो ये बिजनेस साइकिल होती है आपकी ऐसी, ध्यान देना यार, मोबाइल से डायग्राम बना रहे हैं आपके लिए. ये आपका बिजनेस साइकिल है. कैसे, अब कोई भी इकोनॉमी मान लो जीरो से स्टार्ट हुई, समझ लेते हैं सर, समझ लेते हैं, जीरो से स्टार्ट हो रही है, मतलब ये हो गया उसका जीरो पॉइंट, है ना. तो हम इसमें यहां से बोल सकते हैं इट इज फ्रॉम जीरो पॉइंट, है ना. ओके, अब यहां से रिकवर करना, कोई भी इकोनॉमी स्टार्ट कर रही है तो रिकवरी का मतलब क्या हो रहा है कि आप वापस इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेहतर हो रही है जो इंडिया में हुई थी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में, ये सेकेंड वेव के पहले. ये जो आपका फेज होता है इसको आप बोलते हैं या तो रिकवरी या एक्सपांशन. अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ महीने के लिए एक्सपांड हुआ, सिर्फ एक दो तीन महीने के लिए, तो वो हुआ बूम पीरियड के, कुछ महीने के लिए धंधा चला फिर बंद हो गया. बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर जाने लगा तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, फिर एक्सपांशन हो गया या इन्फ्लेशन कहते हैं आप. लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा इन्फ्लेशन, चीजों के दाम बढ़ने लगेंगे, चीजें महंगी होने लगेंगी, क्योंकि सब कोई खरीद रहे, सबको खरीदना है, डिमांड है, तभी तो एक्सपांड हो रहा है. फिर रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जिसको हम बोलते हैं पीक, जब लोग अपनी डिमांड कर, अब लोग जिंदगी भर थोड़ी ना खरीदते रहेंगे कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स. एक टाइम ऐसा आता है जब पीक आता है, मतलब आपने पूरे रिसोर्सेज यूज कर लिए हैं, लोगों के रिसोर्सेज खत्म हो गए, इससे ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ हो गया स्टैग्नेंट, इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई और रिसोर्सेज पूरे यूज हो गए. ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो जाता है ना, क्योंकि ऐसा पहुंचना बहुत मुश्किल है पीक पे, मतलब पूरे रिसोर्सेज यूटिलाइज हुए. फिर नीचे आती है, हर इकोनॉमी नीचे तो आनी है इंडेफिनेट टाइम के लिए, तो आप ऊपर रहोगे नहीं. तो जब जो नेचुरली बिजनेस नीचे आ रहे हैं, मैंने बोला ना जिनको पता है अम्ब्रेला का, गर्म कपड़ों का, शादियों का, कहाँ ऑफ सीजन होता, जो नेचुरली नीचे आता है वो होता है डिफ्लेशन. कि मुझे पता है मेरा तीन महीने बिजनेस नहीं चलेगा, नेचुरल है. बट अगर लॉकडाउन कोविड जैसी कोई सिचुएशन आ गई और एक साल तक अगर ऐसा हो गया, नौ महीने तक, तो वो हो गया रिसेशन. और अगर दो साल, ढाई साल, डेढ़ साल के लिए हो गया तो फिर क्या हो गया, डिप्रेशन. इकोनॉमी डिप्रेस हो गई. अब ऐसा बोलते हैं कि इंडिया भी रिसेशन में है, डिप्रेशन में नहीं, क्योंकि तीन ही क्वार्टर हुए, नौ महीने हुए, दस महीने हुए, ग्यारह महीने हुए. ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला आपको. फिर इकोनॉमी वापस से रिकवर करेगी, देख रहे हो, फिर यही फेजेस आएंगे. देखो एक्सपांशन को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया मैंने. एक एक्सपांड हो रही है इकोनॉमी, दो तरीके से एक्सपांड हो गई इकोनॉमी, या तो फिर बहुत ही कम समय के लिए बूम पीरियड आया, डाउन हो गया, या लॉन्ग टर्म की, है ना. तो ये देखना पड़ता है अपने, ठीक है. पीक पॉइंट को हम लोग और क्या बोलते हैं, स्टेगनेंट. यहाँ आके आपका रिसोर्सेस का यूज रुक गया,
ना, प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं बट देर इज नो डिमांड राइट नाउ. आप समझ रहे हैं? तो बिजनेस साइकिल देखा आपने, जो सर्टेन है मतलब जो आने ही वाली है उसको हम यहां से लेंगे. कि आपको पता है अम्ब्रेला नहीं बिकेगा अगर ठंडी में, तो आप ऐसे हो जाओगे, फिर अम्ब्रेला बिकेगा. दिस इज अ साइकिल. बट ये जो पॉइंट है ना, कैसे बताऊं आपको मैं, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये दोनों एक्सट्रीम हाईएस्ट लोएस्ट, ये आपके लिए रिकरिंग है. ऐसा नहीं हो सकता कि आएंगे, ये सडनली आते हैं. जैसे डिप्रेशन सडनली आया ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आया था, तो पता है 2008 में आया था, रिसेशन आया था 2008 में, आईटी रिवॉल्यूशन रिसेशन. ये आंसर साइकिल क्या होती है, जो आते रहे जाते रहे आते रहे जाते रहे. ये भी साइकिल का पार्ट है, बट एक्सट्रीम. ठीक है, तो इसके लिए तो सरकार के पास पॉलिसी होती है, इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ता है जो एक्सट्रीम सिचुएशन होती है. ठीक है, अब देखो गोल्ड मार्केट में एकदम से बूम आया था, 50,000 चले गया था, आ गया 40,000 पे 3 महीने में 4 महीने. इस तरीके बूम पीरियड होते हैं, एकदम आया एकदम बबल की तरह फूट जाए. तो ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं आता है. मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी डेफिनेटली, अब देश में क्या हालात हैं उसके हिसाब से भी तो पॉलिसी बनाई जाएगी. अब अगर देश में मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पर, अगर देश में इकोनॉमी रिवाइव हो रही है, चलो मान लेते हैं लॉकडाउन है, मान लिया हमने लॉकडाउन लग गया, इकोनॉमी पूरी तरीके से डाउनफॉल पे. ठीक है, लॉकडाउन लग गया आपका मार्च 2020, लॉकडाउन लग गया, पूरे बिजनेस बंद, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बंद, ऑटोमोबाइल सेक्टर बंद, कपड़ा उद्योग बंद, फलाना ढमकाना बंद, सब बंद, फार्मेसी और आईटी बूम पे, बस एग्रीकल्चर भी ठीक बढ़िया चल रहा है, खाना तो लोग खुश ही रहे. अब क्या होगा, आपने लॉकडाउन लग गया, आपके बिजनेस बंद हो गए, तो क्या होगा? देखो कौन कौन सी चीजों पर फर्क पड़ा, आपकी टोटल डिमांड कम हो गई, आपने उन चीजों को खरीदना बंद कर दिया, उसकी वजह से आपका सप्लाई कम हो जाएगा. ठीक है, चीजों के दाम कम हो जाएंगे, आप लॉजिक समझ रहे हो, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा क्योंकि लोगों के पास पैसा है ही नहीं, है ना, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा. ये तो बेसिक समझा रहा हूं मैं आपको कि इतनी चीजें, और भी चीजें बढ़े, है ना, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे बैंकों के, कि बैंक चाहेगी कि लोग लोन लें और इन्वेस्ट करें, अभी तो इकोनॉमी फंक्शन होगी, है ना. अब मान लो लोगों ने लोन ले लिया, समझा रहा हूं मैं आपको, लोगों ने लोन ले लिया, अब इकोनॉमी रिवाइव होना स्टार्ट होगी, लॉकडाउन खुल गया. अब मान लेते हैं अगस्त के पहले, सुनो, अब सरकार को पता है इकोनॉमी अभी डब्बे में है, अभी रिसेशन चालू हो गया इंडिया में, ना ठीक 6 महीने तक नहीं होता तब तक रिसेशन घोषित नहीं करते, बट मान लो सरकार को लगा रिसेशन तो आना ही है. अब सरकार क्या करेगी, तो सरकार के पास दो ऑप्शन है इस डिमांड को बढ़ाने के लिए. पहला तो यार सरकार क्या करे, सबसे पहले देखना, सरकार लाएगी फिस्कल पॉलिसी जिसको आप टैक्सेशन और बजटरी पॉलिसी भी कह सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर पॉलिसी बेसिकली इसको मैं बोल देता हूं, टैक्सेशन पॉलिसी, इसका मेन आधार होता है टैक्स. अब सरकार क्या करेगी बताओ, मार्च 2021 अप्रैल 20 में, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में क्या किया होगा सरकार ने, आपने याद होगा आप लोगों, इनकम इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, इंटरेस्ट रेट बैठाओ, टैक्सेशन कम कर दिए थे सरकार ने मैक्सिमम गुड्स पर, आपको याद होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं. सरकार ने ईएमआई लोगों की एक्सटेंड कर दिया था ना, बहुत सारी चीजों में थी, सरकार ने मैक्सिमम चीजों पर टैक्स कम कर दिया कि लोग खरीद ही रहे वैसे भी, तो भैया लोगों का खरीदना बहुत जरूरी, तो मार्केट बंद हो जाएगा. ये काम सरकार ने बाद में किया, मार्च अप्रैल जून के बाद, है ना, तो टैक्स कम करना एसेंशियल गुड्स पे, ये एक डिसीजन था कि लोग खरीदे, और जो हैबिचुअल गुड्स थे शराब वराब उस पर टैक्स लगा लिया, कमाने का एक जरिया हो जाएगा क्योंकि इकोनॉमी को रिवाइव भी करना है. ये हुई आपकी फिस्कल पॉलिसी जिस पे आप टैक्स के साथ खेल रहे हो, है ना. अब हो गया आपका मॉनेटरी पॉलिसी, मनी फ्लो मार्केट में जो मनी फ्लो होता है बैंकों के थ्रू, डेफिनेटली बैंकों के थ्रू होता है, मतलब ये पॉलिसी कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आपको पता है और लास्ट ईयर के मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में जो रेपो रेट था, मतलब जो इंटरेस्ट रेट था जो आरबीआई चार्ज करता है बैंकों पर, बैंक करते हैं हम पे, वो बहुत कम था, इट इज बिटवीन 3.5 to 4%, यानी बहुत रिडक्शन, बहुत कम हो गया. अब आरबीआई इतना चार्ज करेगा तो बैंक भी कम ही चार्ज करेगी. क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि लोगों के पास लोन लोग लोन लें और लोग इन्वेस्टमेंट करें,
अब दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट होंगे, या तो मैं बिजनेस में पैसा लगाऊंगा या उसी पैसे से मैं कोई गुड्स खरीदूंगा या घर के अंदर कोई सामान लगाऊंगा। आज भी जो आपका रेपो रेट है, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है, वो आज भी इसी के बीच में, क्योंकि आज भी हमारी इकोनॉमी सेकेंड वेव के बाद तो और डाउन फॉल। तो मनी फ्लो जो है कि मार्केट में जो पैसा रहेगा, किसके थ्रू जाता है पैसा, जल्दी बताओ, पैसा किसके थ्रू जाता है? बैंक्स। तो बैंकों के थ्रू जो पैसा जाएगा, इसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, वो इंटरेस्ट रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेपो रेट। इसको डिटेल में कई बाद में पढ़ा हुआ, एक चैप्टर है इसमें, बट आप इंटरेस्ट रेट के नाम से ध्यान रखो। जो आरबीआई लगाता है किस पे? बैंक पे, और बैंक किस पे लगाता है? हम लोगों पे, कॉमन पीपल। अभी डाउन चल रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर रिसेशन है और ये सबको पता है, समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे आपकी फिस्कल पॉलिसी मतलब टैक्सेशन, तो पता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपका इनकम टैक्स एक्सटेंशन कर दिया था लास्ट ईयर, कि भाई 6 महीने बाद भरना कोई दिक्कत नहीं है, काय में आएगा है? सब टैक्सेशन पॉलिसी का जो पार्ट है डायरेक्ट टैक्स। ईएमआई एक्सटेंड कर दिया था, इक्विडेट मंथली इंस्टॉलमेंट, जो लोगों ने इंस्टॉलमेंट में सामान खरीदे वो ईएमआई बाद में पे करना, ये सब इसी का तो पार्ट है। और मनी फ्लो समझा, मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब क्या है? अब जब ये इकोनॉमी बूम पे जाती है, जब चीजें महंगी होने लगती है, सरकार को लगता है कि कुछ ज्यादा महंगाई आ गई है, तो यही इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, कि लोग कम पैसा ले बैंकों से, क्योंकि ज्यादा चार्ज करोगे तो कम पैसा लेंगे, लोग कम खर्च करेंगे तो अपने आप प्राइस क्या हो जाएंगे? स्टेबलाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्टेबलाइज। तो वो पढ़ेंगे अपन आगे जाके, फिलहाल आपको बेस जो समझाया मैंने वो समझ गएंगे। ये सब जो पॉलिसीज हैं डेफिनेटली किसके बियॉन्ड है? लिमिट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें और भी नाम हो सकते थे जो नहीं है, बट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो पैसा हमको बाहर देना है ना, उसका बैलेंस। तो ये कब होता है पता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होगा, थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप जब बेसिक समझा रहा हूं आपको, डिटेल में नहीं जाता भी, जब एक्स माइनस एम होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हम कोशिश करते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट हमेशा ज्यादा हो इम्पोर्ट के मुकाबले। अगर इम्पोर्ट ज्यादा है तो फिर आपका बैलेंस हमेशा रहेगा, इसको बोलते हैं डेफिसिट। मतलब हमेशा इंडिया को किसी ना किसी को पैसे बाहर देने रेदर देन लेने, तो ये पॉजिटिव में रहना चाहिए। एक्सपोर्ट हमेशा ज्यादा होना चाहिए, एक्सपोर्ट का ई साइलेंट है, इंपोर्ट का आई साइलेंट है, एक्स माइनस है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये तभी होता है, जब ही पॉजिटिव आएगा, जब आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। जिस कंट्री के एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे उसकी करेंसी की वैल्यू फॉरेन मार्केट में बढ़ेगी। कोई भी आपसे सामान खरीदेगा तो आपकी करेंसी में खरीदेगा, इसलिए तो डॉलर का बहुत ज्यादा वैल्यू है। क्यों? क्योंकि सालों इन लोगों का डिमांड है, हर जगह हर देश में अपनी करेंसी में इन्होंने ट्रेड करवा के रखा है। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज को मैंने आपको इतना डिटेल में बताने की कोशिश की, आप समझ रहे हो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख ली अपन लोग, जो हम लोग फेस कर रहे हैं या फेस कर सकते हैं। जो नाम जोड़ा इसमें ऐड कर देना, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और कैसे डील नहीं करता माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक ऑल्सो डज नॉट डील विद नेशनल वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम लोग? जैसे एग्रीगेट लिखा है ना, तो जैसे मैंने टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, टोटल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट। इट डज नॉट डील विद टोटल्स, इट डील विद इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। ओके, समझ आ रहा है? सो द फिस्कल पॉलिसी इज बेसिकली अ बजटरी पॉलिसी है। बजटरी मींस इट इज टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सो गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड मेनी रिलैक्सेशन टू द पीपल, कि लोग टैक्स बचेगा तो सेविंग होगी, अब वो खर्चा करेंगे फिर मार्केट। ओके, समझ में आएगा मैंने क्या बोला आप लोगों को? पक्का? छोटा सा टॉपिक था, मगर इसको डिटेल में पढ़ने, बिजनेस साइकिल समझ में आया, कौन सी नेचुरल है और कौन सी अचानक से आती है, समझ में आया? डायग्राम समझ में आया है ना? ठीक है, ये सब बना लेना डायग्राम अपनी कॉपी में, सब काम है। अभी क्या चल रहा है इंडिया में? रिसेशन चल रहा है। अगर ये 1.5-2 साल खींच गया तो उसको डिप्रेशन, डिप्रेशन एक्चुअली कैसा होता है? जब आप एक टैगिंग लगाते हैं किसी भी देश को, हम हकीकत से तो दूर नहीं भाग सकते कि इंडिया की हालत बहुत खराब है 2-3 सेक्टर को छोड़ के, तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आते आपके, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। फिर FDI नहीं आएगा है ना, बाहर से पैसा नहीं आएगा, लोग आपके यहाँ शेयर डिबेंचर नहीं खरीदेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये वीडियो देखिए, मुझे बताइए आपको इस पर क्वेश्चन आएगा, कैसा आएगा बता देता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक हैज लिमिटेड स्कोप, इट डज नॉट डील विद मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इट डज नॉट डील विद एग्रीगेट्स, इट डज नॉट डील विद टोटल डिमांड, सप्लाई, आउटपुट, इन्वेस्टमेंट। इट डज नॉट डील विद नेशनल प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, इनइक्वलिटीज, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बिजनेस साइकिल्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना? इट इग्नोर द नेशनल प्रॉब्लम्स एंड नेशनल वेरिएबल्स एंड फोकस ऑन ओनली 2 वेरिएबल एंड रिमेनिंग एंड अज्यूम अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। इट डील विद इंडिविजुअल आउटपुट, इट डील विद इंडिविजुअल डिमांड,
आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, इट डील विद प्राइस डिटरमिनेशन अंडर फ्री मार्केट इकोनॉमी बट इट डज नॉट डील विद दीज प्रॉब्लम्स एंड दीज वेरिएबल्स. सो माइक्रो इकोनॉमिक हैज अ लिमिटेड स्कोप. यूज द डेफिनेशन ऑफ मॉरिस डॉब एंड वर्नर लर्नर. ओके आई होप ये समझ में आ गया आपको, ये बना लेने का मुझे समझा लेगा. समझिएगा भाई जो चीजें बताया वो लिखने का आपने, है ना? ठीक है, चलो टेक केयर, बाय. तरह बताना यार वीडियो मेहनत से बनाया हुआ कैसा लगा.